विनर्स बाय अलास्टेयर कैंपबेल। बहुत से लोग होशियार, दक्ष और टैलेंटेड होते हैं, शायद आप भी उनमें से एक होंगे। फिर भी कुछ ही बड़े लीडर्स श्रेष्ठ खिलाड़ी या रॉकस्टार बन पाते हैं। कौन विनर नहीं बनना चाहता? प्रश्न ये है कि इसके राज क्या हैं? विनर ऐसा क्या करते हैं जो दूसरे नहीं जानते? ये विनर्स किताब की समरी आपको विजेताओं की सफल कहानियों के नजदीक लेकर जाएगी, जिसमें आप जान सकेंगे कि किन परिस्थितियों में भी वो शिखर पर पहुंचे। इसके अलावा आप सीखेंगे कि किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर ने एक एयरलाइंस शुरू की और तरक्की की, क्यों एक बड़ी असफलता आपको जीवन में बड़ा बनाने में सहयोगी होगी, कैसे परेशानियों में जीवन जीने से भी आप फायदा ले सकेंगे। पहला सबक, मजबूत योजना ही आपके असली लक्ष्य को जीतने की सबसे पहली और खास सीढ़ी है। आप इसे पढ़ रहे हैं, मतलब आप कामयाब इंसान बनने का निश्चय कर चुके हैं। चाहे आप एक शानदार ऑफिसर बनना चाहते हो या सेलिब्रिटी जैसा फेमस होना चाहते हो, कुछ बातें आपको जाननी होंगी। पहली बात है प्लान, ये प्लान कि कैसे जीता जाए, यही आपके लक्ष्य का रास्ता तय करेगा। पूर्व विश्व शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव कहते हैं कि अगर आप प्लान पर जमे नहीं रहते हैं तो इससे आपके विरोधी को खेल पर कंट्रोल करने का मौका मिल जाता है। आपको जीतना क्यों है? अच्छा प्लान बनाने से पहले आपको ये तय करना होगा कि आप सफलता में क्या पाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप 10 पाउंड कम करना तय कर सकते हैं। एक बार अगर आप अपना लक्ष्य बना लें तो प्लान बनाकर वहां तक पहुंचना सरल है। लक्ष्य वही तय करें जो प्राप्त किया जा सके। विनर्स ऐसा ही लक्ष्य तय कर उसकी योजना बनाते हैं। नवंबर 2013 में टोनी पुलिस ने एक क्रिस्टल पैलेस क्लब, जो कि प्रीमियर लीग में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसको संभालना शुरू किया। टोनी ने पहले वर्ष में बड़ा लक्ष्य नहीं चुना और ना ही अपनी टीम को प्रीमियर लीग चैंपियन बनाने की कोशिश की। इसके बजाय उन्होंने असली स्थिति को ध्यान में रखकर लीग में टीम को बनाए रखने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल रहे। अपने स्किल को अलग अलग तरह की छोटी परेशानियों से अपने प्लान पर शक न करें। ये सब आपको प्लान और लक्ष्य को समझने में मदद करेंगे। अगर आपका प्लान 10 पाउंड वजन कम करने का है तो आप रोज डाइटिंग और कसरत शुरू करेंगे, लेकिन इसी बीच आपका ध्यान कैलोरी की मात्रा लिफ्ट की जगह सीढ़ी से जाने और डाइट ग्रुप ज्वाइन करने पे भी रहेगी। विनर बनने के लिए प्लान बनाना 3 चरणों में से केवल एक चरण है। लीडरशिप और टीमशिप 2 अन्य चरण है। आइए इन्हें हम विस्तार से जानते हैं। दूसरा सबक, लीडरशिप कई रूपों में सामने आती है। ऐसी कोई खास विशेषता नहीं है जो इतिहास के सभी महान लीडर्स को एक साथ कर सके। तो एक महान लीडर बनने के लिए क्या चाहिए, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। हर एक लीडर अपने आप में खास होता है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल इस बात में निपुण है कि सामने आई स्थिति में कौन सा तरीका काम करेगा और करता रहेगा। वो बड़ी बड़ी बातें ना करके वास्तविक कार्यों पर ध्यान देती हैं। इस कौशल के कारण ही वो आज यूरोपियन यूनियन के शक्तिशाली देशों में से एक जर्मनी का नेतृत्व करती हैं। अभी और यूरोजोन संकट के दौरान भी मर्केल स्थिर थीं, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जैसे राजनेताओं ने भी उनको जल्दी और ज्यादा साहसिक कदम उठाने के लिए बाध्य किया था। मर्केल ने अपने चौतरफा दबाव के बावजूद सजग होकर और अपने लंबे समय के बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कभी जल्दबाजी नहीं की। विंस्टन चर्चिल लोगों के सामने डंके की चोट पर नाजी जर्मनी को एक बड़ा खतरा बताकर जल्दी ही एक महान नेता कहलाए, जबकि विजेता के रूप में उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं कहता जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हो गया था। ये कहानी है उनकी। सन 1899 में चर्चिल जब युवा थे तब राजनीति में अपना हाथ आजमाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। दक्षिणी अफ्रीका में युद्ध खबरी के रूप में काम करने के बाद वो ब्रिटेन लौटे और संसद के सदस्य बने, लेकिन बाद में चुनावों में वो हारते गए। वो पूरी कोशिश में थे कि फिर से सरकार में आ जाएं। वे 1920 के दशक तक ब्रिटेन के राजकोष के अधिपति रहे और स्वर्ण मानकों के आधार पर देश के रिटर्न को भी संभाला। ये बहुत ही खतरनाक कदम था, जिसकी वजह से देश की मुद्रा दर नीचे और बेरोजगारी ऊंचे स्तर पर चली गई। बावजूद इन सभी के, चर्चिल आज भी इतिहास के महान नेताओं में से एक हैं। उन्होंने शुरू में ही एडोल्फ हिटलर और जर्मनी की नाजी सेना के खतरे और महत्वाकांक्षाओं को भांप लिया था। उन्होंने अपनी सारी ताकत नाजियों को हराने के तरीकों में लगा दी। ये चर्चिल के दृढ़ विश्वास और ब्रिटिश लोगों में उनकी गहरी पीठ थी, जिसकी वजह से दुनिया उन्हें महान नेता मानती है। अब हम सफल टीमों की असली मजबूती का पता लगाएंगे, जो कि विनर होने की राह का तीसरा पहलू है। तीसरा सबक,
जीतने का मतलब ये है कि ऐसे लोग खोजो जो उन क्षेत्रों में एक्सलेंट हों जिनमें आप कमजोर पड़ते हों। क्या आपको लगता है कि 11 एथलेटिक क्लोन से बनाया एक फुटबॉल क्लब एक विजेता टीम बनेगी? बिल्कुल नहीं। एक टीम जिसमें सभी लोगों के पास एक जैसा हुनर हो वो कभी नहीं जीत सकते। खेल हो या बिजनेस, यदि आपको विजेता बनना है तो आपको वो अलग अलग प्रतिभा वाले लोगों की टीम चाहिए होगी जो आपके स्किल के खालीपन को भर सके। अलग अलग प्रतिभा वाले लोगों की टीम ही एक विजयी योजना को संभाल सकती है। एक विजेता होने के नाते आपको ऐसे लोग खोजने होंगे जो कि उन क्षेत्रों में एक्सलेंट हो जिनमें आप कमजोर पड़ते हो। जैसे कि आप एक जबरदस्त स्ट्राइकर हो सकते हैं पर आप गोलकीपर कमजोर होंगे, तो आपको ऐसा व्यक्ति टीम में चाहिए जो अपने गोल रोक सके। ये लीडर की जिम्मेदारी होती है कि टीम के लक्ष्य, योजना और तरीके तय करे, साथ ही सबको उनके हिस्से के कार्यों को समझाए। जैसा कि एक साइकिलिंग टीम में एथलीट्स, मैकेनिक्स और खेल थेरेपिस्ट वगैरह होते हैं, लेकिन उन सबका जो लीडर होता है वो वॉकी टॉकी लेकर उनको फॉलो करने वाली कार से सबको निर्देश देता रहता है। कप्तान के पीछे ही खिलाड़ी खड़े होते हैं। बेशक वो कप्तान जितनी ख्याति नहीं पाते, लेकिन टीम को मुसीबत से वही निकालते हैं। उदाहरण के लिए चुनाव प्रचार के दौरान अगर एक बस ड्राइवर को ले लें जिसकी जिम्मेदारी है नेता को एक बड़ी रैली में ले जाने की, इस स्थिति में अगर ड्राइवर विश्वास पात्र ना निकले तो पूरा चुनाव प्रचार बिखर जाएगा। योजनाओं का मतलब उन लोगों से है जिनकी पर्सनालिटी में खास एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है जो आपको बाकी टीम से अलग बनाती है। राजनीति में अक्सर नेता ही अपने आप को योग्य कहलाते हैं। जैसे अगर बात करें हिलरी क्लिंटन की, तो वो अमेरिका के डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के चुनावों में बराक ओबामा को चुनौती देकर हार गईं, फिर भी उनकी विशेष प्रतिभा के कारण उनको राज्य सचिव का पद मिला। एक लीडरशिप होने के नाते आपके दिमाग में क्या चलता है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्लान, मजबूत टीम और लीडरशिप। चौथा सबक, जीतने वाले लोग हारने से नफरत करते हैं, इसीलिए वो अपने आप पर परखने का दबाव ले आते हैं ताकि वो अपनी आरामदायक स्थिति को छोड़ सकें। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि दिमाग की सोच ही जीत दिलाती है, पर इसकी वास्तविकता क्या है? क्या केवल विनर्स ही जीतना चाहते हैं? क्या हर व्यक्ति जीतना नहीं चाहता? हर कोई जीतना चाहता है, बिल्कुल, पर हर कोई हारने से नहीं डरता। कुछ लोग इसीलिए विनर बनते हैं क्योंकि वो हारने से बहुत डरते हैं। बहुत से विनर अपनी हार के अनुभवों के कारण ही विनर बनते हैं क्योंकि वो उन अनुभवों को अपने लक्ष्य के सफर में दोहराते नहीं हैं। ओलंपिक तैराक विजेता माइकल फिलिप्स ओलंपिक खेलों के इतिहास में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। सन 2000 के सिडनी समर ओलंपिक खेलों में उनकी अच्छी तैयारी के बावजूद वो कोई पदक नहीं जीत पाए। इसी को मोटिवेशन मानकर तगड़ी तैयारी की उन्होंने, फिर कभी कोई रेस नहीं हारी। जीतने के लिए आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना उतना ही जरूरी है जितना कि मोटिवेशन। आपको वो चीजें जरूर अच्छी लगेंगी जो बहुत सरल और आपकी जानी पहचानी होंगी। इसको कंफर्ट जोन कहते हैं। यह हमेशा आपको बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में दिक्कत देगा। गैरी कास्परोव हमेशा एक के बाद एक चेस की प्रतियोगिता जीतते रहे। इसे उन्होंने अपना कंफर्ट जोन समझ लिया क्योंकि कुछ फिक्स तरीकों से ही वो जीतते थे। उन्होंने नए प्रयोग और तरीकों को खोजना बंद कर दिया था। इस तरह से वो एक खिलाड़ी की तरह नहीं बढ़ पाए, उनकी स्किल्स जंग खा चुकी थी। आखिरकार उनके एक विपक्षी खिलाड़ी व्लादिमीर क्रामनिक को हराकर चैंपियन बन गए। हमेशा जीतना है तो अपने आप को नया सीखने के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आगे जाना होगा, मतलब अपने आप को तपाना होगा। आप पर आया दबाव आपके दिमाग और शरीर को इतना सक्षम बना देगा कि आप अपने प्रदर्शन को बेहतर और लक्ष्य पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। पांचवा सबक, विनर्स हमेशा नई सोच और साहसिक कार्यों की वजह से बाकी लोगों से अपने आप को अलग सिद्ध करते हैं। क्या आप सुपरमैन के कपड़े पहनकर अपने आप को सबसे खास दिखाएंगे? नहीं, विनर्स अपनी अन्य योग्यताओं से खास दिखते हैं। लोगों की भीड़ में खास दिखने के लिए आपको पहले साहसिक होना होगा। ये साहस ही आपको चैलेंज लेने की हिम्मत देगा जिसे दूसरे लीडर्स डर की वजह से नहीं ले पाते। साहसिक होने का एक फायदा ये होगा कि आप अपने पुराने समय में अगर किसी क्षेत्र में कमजोर रहे होंगे तो अब उनमें अच्छा परिणाम ला सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एंटरप्रेन्योर रिचर्ड ब्रिसन ने एक स्टूडेंट अखबार शुरू किया जब वो केवल 17 साल के थे। कुछ सालों के बाद ही उन्होंने एक रिकॉर्ड नए बिजनेस वर्जिन एयरलाइंस की स्थापना की। रिचर्ड ब्रिसन ने और भी बहुत सारी कंपनियां शुरू की और एक बात सब में समान थी कि ब्रिसन को उन सभी के फील्ड में कच्चा ज्ञान था, लेकिन विश्वास पक्का था। ब्रिसन को डिलेक्सिया था जो बड़ी समस्या थी, वो भी तब जब वो समाचार एजेंसी चला रहे थे।
वो संगीत व्यवसाय के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन वो एक कस्टमर होने के नाते अच्छे संगीत का स्तर लगातार गिरने से परेशान थे। और ब्रिंसन एयरलाइंस व्यवसाय के बारे में भी कुछ भी नहीं जानते थे। जब वो एक बार वर्जिन द्वीप पर हवाई जहाज से गए, लेकिन यात्रा में देरी और बेकार सर्विस होने की वजह से उन्होंने विमान क्षेत्र में हाथ आजमाने की ठान ली। इस कदम ने उन्हें विनर बनाया। जिस तरह साहसिक कार्य आपको औरों से अलग करते हैं, वैसे ही कुछ नया परिवर्तन करने की इच्छा आपको जीत की तरफ खींचती है। पर यह जरूरी नहीं है कि नया परिवर्तन आपको कुछ नया देगा। इसीलिए नई खोज से अच्छा है कि आप कोई वस्तु, सर्विस या कोई कार्य विधि लें और उसकी कमियां दूर कर अच्छा बनाएं। इस तरह से विजेता लोग चीजों पर ध्यान केंद्रित करके संभावनाएं खोजते हैं। जैसा कि एप्पल, इसने पहले से मौजूद मोबाइल फोन को लेके उसमें सुधार किया, जो कि एक जबरदस्त प्लान था। छोटा सबक, जो चीजें बहुत आवश्यक हैं, अगर उन पे ध्यान नहीं देते हैं तो इनकी क्राइसिस आपको हरा देगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल बहुत सी चीजें क्राइसिस कहलाती हैं? राज्यों के प्रमुखों के बीच में छोटी सी असहमति को लेकर किसी ब्लॉगर के बुरे दिन तक, ऐसा लगता है कि क्राइसिस हर चीज में हर जगह है। लेकिन ऊपर के किसी भी उदाहरण को क्राइसिस नहीं कहा जा सकता है। क्राइसिस वो है अगर आप समय पर स्थिति के अनुसार सही निर्णय नहीं लेते हैं तो आपको हरा देगी। एक और, अगर कोई फुटबॉल टीम कुछ मैच हार जाए तो वो क्राइसिस नहीं मानी जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर राजनीति में सत्ता का दुरुपयोग होता है तो वो राजनीति में क्राइसिस पैदा कर देगी। जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और मोनिका लेविस्की के अफेयर से पैदा हुआ था। इसे हम और गहराई से देखते हैं। जब असली क्राइसिस सामने आती है तो आपको इस बात पर ध्यान देना होता है कि जिन चीजों पर आपका नियंत्रण है उनमें क्या क्या उस वक्त मायने रखती है। यही सबसे खास बात है। जब लोगों को क्लिंटन और लेविस्की के रिश्तों के बारे में पता चला, तब भी क्लिंटन ने अपने राजनीतिक हिस्सों को संभाला। उन्होंने इस संकट को किस तरह संभाला, इस बात का पता इससे चलता है कि जब मीडिया उनके रिश्तों के बारे में मामला उजागर कर चुकी थी, तब क्लिंटन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से फोन पे रूस के परमाणु हथियारों के बारे में बात कर रहे थे। क्लिंटन तो ये जानते थे कि उस दिन प्रोसिक्यूटर की रिपोर्ट आएगी, लेकिन क्या आएगी वो ये नहीं जानते थे। साथ ही ये भी नहीं उनके परिवार, दोस्त और साथी क्या कहेंगे। इस स्थिति को कंट्रोल करना उनके बस में नहीं था। वो क्राइसिस को संभालने के लिए बस अपने काम पर ध्यान दे रहे थे और आखिर में उन्होंने इस क्राइसिस से पार पाया और अपनी इज्जत भी। कुल मिलाकर विजेता अलग अलग तरह के गुणों की क्षमता वाले होते हैं। विजेता जब भी अपनी विशेषताएं बताते हैं, चाहे वो साहस हो या नई सोच, तो ये भी सत्य है कि उनकी जीत के पीछे उनकी बनाई टीम भी होती है जो उनके लक्ष्य को संकट से उभारती है। क्या करें, जब भी क्राइसिस का सामना आए ईमानदारी से करें। अगर आप अपने आप को संकट के बीच में पाएं तो आप ऐसा ना सोचें कि आपकी आंखें बंद कर लेने से संकट गायब हो जाएगा या फिर किसी और पर उंगली उठा देने से ये टल जाएगा। ये ना तो अच्छे उपाय है और ना ही इतने आसान। इनके बजाय ईमानदार रहकर साहस से उसका सामना करें। अगर आपसे कहीं गलती हो रही है तो कम से कम सच्चे मन से उस घटना की पारदर्शी जांच शुरू करें। फिर भी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक दिन सच्ची बातें सामने आएंगी और हो सकता है कि वो आपका मान घटा दें।